बंगाल में हर दूसरा आदमी गले में आई कार्ड नुमा एक पाउच लटकाए हुए नजर आ जाएगा, जिस पर लिखा होता है गेट आउट कोरोना। लोग ऐसे कोरोना लॉकेट भी कहते हैं। अगर हम इस कार्ड की कीमत की बात करें तो ये बाजारों में 200 से 300 तक मिल रहा है। किसी की वैलिडिटी 30 दिन तो किसी की 60 दिन बताई जा रही है। हालांकि किसी भी मेडिकल एजेंसी से ये सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन लोगों में जो कोरोना का भय है उसमें इस तरह की कंपनियां कहीं ना कहीं फायदा उठाती हुई जरूर नजर आ रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता जय शुक्ला ने कोरोना लॉकेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों से बातचीत भी की है। कोविड-19 महामारी से बचने के लिए लोग इस समय तरह तरह के उपाय करते हुए नजर आ जाएंगे। इस समय अगर आपको बताएं तो हर व्यक्ति के गले में एक पाउच टंगा हुआ जरूर दिखेगा। उस पाउच की क्या हकीकत है, आखिर लोग क्यों टांगते हैं, कुछ लोग हमारे बीच में हैं, हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये जो पाउच टंगा हुआ है जिसमें आपको दिखाना भी चाहूंगा गेट आउट वायरस लिखा हुआ है, आखिर क्यों टांगा है, पूछते हैं उन्हीं से। क्या नाम है मैडम आपका? रजनी दीक्षित नाम है मेरा। मैं देख रहा हूँ आपने एक पाउच टांगा हुआ अपने गले में, क्या है इसकी हकीकत, किस वजह से टांगा? ये हमने इसलिए टांगा है कि इसमें ये बताया गया है कि इसमें कपूर, लौंग, इलायची, अश्वगंधा वगैरह है जो आपको कोरोना वायरस से बचाएगा, दूर रखेगा। इसलिए कितने का मिलता है ये बता? अब ये तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये किसी कंपनी द्वारा सर्टिफाइड है। अगर हम किसी मेडिकल एजेंसी की बात करें तो उसके द्वारा क्या सर्टिफाइड है? अब ये तो नहीं पता है। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं क्योंकि आयुर्वेदिक ये मैटर मटेरियल पड़े हुए हैं, इसलिए कोई नुकसान भी नहीं है। अगर बचाव हो रहा है तो ये अच्छी बात है, इसलिए हमने इसको यूज़ किया। बिल्कुल, हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये गेट आउट वायरस लिखा हुआ है, इसमें मेड इन इंडिया है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई सर्टिफाइड अगर ICMR द्वारा बताएं तो ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि किसी भी दवा को हम कोरोना की दवा नहीं बता सकते क्योंकि अभी तक कोई ऐसी दवा या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनी है। आप दूसरी शख्स भी हैं हमारे साथ में, देख रहे हैं इनके भी गले में सेम उसी तरह का वायरस शॉर्ट आउट करके लिखा हुआ है और गले में डाल रखा है। हम इनसे ही बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचि श्रीवास्तव है। ठीक है, आपने जो गले में डाल रखा है क्या चीज़ है ये? ये एक तरीके से आई कार्ड है जो हमको जो आसपास हमारे वायरस है उसको हमको सेफ रखने के लिए है। किसने बताया ये चीज आपको? ये हमारे स्टाफ में सब लोग पहने थे और मैंने और लोगों को भी अपने आसपास देखा और समझा कि शायद ये सेफ रख सकेगा हमको। और हमारे आसपास 1 मीटर तक ये सबको डिसइंफेक्टेंट कर देता है। कैसे, कहीं से कोई सर्टिफाइड है, कुछ है ऐसा देखा आपने? सर्टिफाइड के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इसके जो ऊपर वाला रैपर था उसमें लिखा था कि इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट यूज किया गया है वो CLO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड है, जो कि क्लोरीन का काम ही होता है हमारे आसपास वायरस को मारना। अच्छा, ये कितने का मिला मार्केट में? ये गिफ्टेड है, ये मुझे पता नहीं। कितने दिन तक असर रहता है इसका? ये 1 मंथ के लिए है। बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं कि कोई 1 मंथ, कोई 60 डेज, कोई 45 डेज के इस तरह के कार्ड मार्केट में मिल रहे हैं। इंडिया न्यूज आपको इसकी हकीकत भी दिखाने के लिए ले चलेगा, जो माइक्रोबायोलॉजी एक्सपर्ट हैं। आखिर क्या इसकी हकीकत है, क्या ये वाकई में जो वायरस है उससे लोगों को दूर रख सकता है? लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए। इस पूरे मुद्दे पर जब हमने वायरोलॉजी एक्सपर्ट से बात की तो पता चला कि ऐसी कोई भी वस्तु या केमिकल अभी तक नहीं बना है जिससे ये सिद्ध हो सके कि ये कोरोना वायरस को मात देने में सक्षम है। बीच में जिस तरह से बचाव के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, कोई लौंग इलायची टांग रहा गले में, कोई एक, इस समय अगर हम पाउच की बात करें तो मार्केट में एक तरह का पाउच आया है जिसमें लिखा रहता है कि उससे कोरोना भाग जाएगा। आखिर क्या इसकी हकीकत है, क्या सच्चाई है, क्या वाकई में उस पाउच से कोरोना हमको इफेक्ट नहीं करेगा? ये जानने के लिए हमारे साथ में एक्सपर्ट, माइक्रोबायोलॉजी की एक्सपर्ट डॉक्टर भावना जैन हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या उसकी सच्चाई है, कितना इफेक्टिव है। मैम इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आजकल हम लोग देख रहे हैं मार्केट में एक पाउच लोग गले में टांगते हैं, कोरोना लॉकेट बोला जाता है, अच्छे खासे उसके दाम भी रहते हैं 200-250 रुपए, क्या है उसकी हकीकत, क्या उससे कोरोना भाग जाता है? देखिए, एक एक्सपर्ट की तरह से मैंने अपने लाइफ के बहुत सारे साल वायरोलॉजी को पढ़ने में दिए हैं, तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगी। अगर हम इस डिसीज़ को देखें, कोविड वायरस को देखें, कोविड-19 डिसीज़ को देखें या कोरोना वायरस को देखें, ये क्या करता है, जब हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यून सिस्टम है, वो एक्टिवेट होते हैं इस वायरस को किल करने के लिए, ठीक है, इस वायरस को मारने के लिए। अब जहाँ तक हमारी, मेरी जानकारी है, हमारे शरीर में 2 तरह की प्रतिरोधक क्षमता होती है, हाँ, एक होता है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है अडैप्टिव इम्यूनिटी।
इनेट इम्यूनिटी का आप कुछ नहीं कर सकते, जो है वही है। अडैप्टिव इम्यूनिटी को आप कुछ मेथड से एनहांस कर सकते हैं, और वो मेथड बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो है वैक्सीन या जो दवाइयाँ इम्यूनोग्लोबुलिंस, जो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक हैं किसी भी वायरस या जर्म्स के लिए, राइट। इन कोविड, इन सार्स कोविड टू केस, इस कोरोना के संदर्भ में क्या है कि अभी तक हमारे पास में ना कोई वैक्सीन है ना कोई स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो किसी भी तरीके से इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने का अपने पास में कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब जो डिफरेंट इम्यूनिटी बूस्टर्स के नाम पे या किसी और तरीके से जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि मतलब अगर मैं वैसे बहुत ही क्रूड टर्म में बात करूं तो वो हमको भटका रहे हैं मुद्दे से। ये थी हमारे साथ में लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल की जो माइक्रोबायोलॉजी की एक्सपर्ट हैं डॉक्टर भावना जैन। उन्होंने बताया कि किस तरह से इस समय जो मार्केट में कोरोना लॉकेट या इस तरह की तमाम चीज़ें जो बिक रही हैं, कहीं से भी कोई भी जो आईसीएमआर द्वारा सर्टिफाइड नहीं है, लोग इसकी तरफ ना भटके, सिर्फ मुनाफाखोर अपने मुनाफे के लिए ऐसा कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है जो कोविड की गाइडलाइन है, मास्क है, सैनिटाइजर है, और जो 2 गज की दूरी बताई गई है वो आप लोग पालन करें, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। लखनऊ से।